हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत में तृतीय पाठ आरंभ करेंगे। पाठ 3, करगदस्य आत्मकथा। करगद का अर्थ होता है बच्चों कागज। करगदस्य षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का की के, कागज की आत्मकथा। अहम करगदः अस्मि, मैं कागज हूँ। किम यूयम जानित यत यदा अहम नासित तदा जनाः कस्मित लिखन्ति स्म। क्या आप जानते हैं जब मैं नहीं था तब लोग किससे लिखते थे। अहम वदामि, मैं बताता हूँ। तदाते वृक्ष पत्रेषु इष्टिकादिषु च लिखन्ति स्म। तब वे वृक्षों के पत्तों से ईंटों के द्वारा लिखते थे। ईदृशानि साधनानि चिरकाल पर्यंतं सुरक्षित कर्तुं न शक्यते स्म। लिखितं ज्ञान सुरक्षितं कर्तुं जना विचारशीलः अभवन। इस प्रकार के साधन बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रखे जा सकते थे, इसलिए लिखित ज्ञान का सुरक्षित करना लोगों ने यह विचार किया कि किस तरह से लिखित ज्ञान को सुरक्षित किया जा सकता है। तदा जनाः मम आविष्कारम अकुर्वन्, तब लोगों ने मेरा आविष्कार किया। अद्य अहम आत्मकथा वर्णयामि श्रुणु ध्यानेन, आज मैं अपनी आत्मकथा बताता हूँ का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनिए। चीन देशस्य साइलून नामक एकः व्यापारी आसीत। चीन देश का साइलून नाम का एक व्यापारी था। एकदा सह काष्ठं कर्तन तस्मिन् स्थितान सूक्ष्मान तंतुन अपश्यत। एक बार वह लकड़ी काट रहा था तब उसने उसमें स्थित छोटे छोटे रेशों को देखा। तदा तस्य मनसि विचारः आगत यत् इमान तंतु संयुज एकस्य वस्तुन नह निर्माणं कर्तु शक्यन्ते। उसके मन में तभी एक विचार आया कि यदि मैं इन सभी रेशों को आपस में इकट्ठा कर लूँ तो एक वस्तु का निर्माण हो सकता है। यस्मिन् किंचित् लेखितुं संभवति, और उससे कुछ न कुछ लिखा जा सकता है, संभावना हो सकती है। सह प्रयोगेषु संलग्नः अभवत्, अंततः सह मम निर्माणे सफलः अपि अभवत्। और उसने लगातार प्रयोग किए, है ना, और अंत में वह मेरा निर्माण करने में भी सफल हुआ। किंतु तदा मम स्वरूपः सुंदर नासीत्, किंतु तब मेरा स्वरूप सुंदर नहीं था। मम निर्माणस्य प्रक्रिया अपि कठिन आसीत्, मेरे निर्माण की प्रक्रिया बहुत कठिन थी। शनै शनैः मम स्वरूपे गुणवत्तायां च परिवर्तनं जातम्, धीरे धीरे मेरे स्वरूप और गुणों में परिवर्तन होता गया। अधुना अहम् अनेकेषु रूपेषु आकारेषु च आपणेषु उपलब्धः अस्मि, आज मैं अनेक रूपों में और आकार में दुकानों पर उपलब्ध हूँ। मिस्र देशवासिनः मम निर्माणे पेपीरस नामकस्य पादपस्य प्रयोगं कुर्वन्ति, मिस्र देश के जो वासी हैं उन्होंने मेरा निर्माण पेपीरस नाम के एक पौधे का प्रयोग करके किया। एतस्मात् कारणात् आंग्लभाषायां मम नाम पेपर इत्यपि अस्ति, इसी कारण आंग्ल यानी अंग्रेजी भाषा में मेरा नाम पेपर भी है। ये तंतु भी मम निर्माणः भवति, तान सेलुलोज इति कथयन्ति, जिन रेशों से मेरा निर्माण होता है उन्हें सेलुलोज भी कहते हैं। मम निर्माणाय विशेषतः चीड़ देवदार इत्यादिना पादपाना काष्ठाना प्रयोगः भवति, मेरा निर्माण विशेष रूप से चीड़ देवदार इत्यादि पौधों के लकड़ियों के प्रयोग से होता है। अधुना अहम वस्त्र तंतु भी अपि निर्मितः भवामि, अब मैं वस्त्र के रेशे भी मुझसे बनाए जाते हैं। मम निर्माणे विभिन्न रासायनिक पदार्थानां प्रयोगः भवति, मेरे निर्माण से विभिन्न रासायनिक पदार्थों का प्रयोग भी किया जाता है। यस्मिन् उद्योगशालायां मम निर्माणः भवति ताम पेपर मिल इति कथयन्ति, जिन उद्योगशालाओं में मेरा निर्माण होता है उन्हें पेपर मिल भी कहा जाता है। टंकनशालानां आविष्कार कारणात् मम प्रयोगे वृद्धि जाता, इस प्रकार के छापाखानों में मतलब जिसमें कागज छापे जाते हैं, इन छापाखानों में के आविष्कार के कारण मेरे प्रयोग में वृद्धि होने लगी। संप्रति किमपि क्षेत्रम ईदृशं नास्ति यत्र मम प्रयोगः न भवति,
किसी भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां आज मेरा प्रयोग नहीं होता है। पुस्तकानि पत्रिकाः समाचार पत्राणि पुस्तिकाः एतानि सर्वाणि ममेव परिवर्तनानि रूपाणि सन्ति। पुस्तकों में, पत्रिकाओं के, समाचार पत्रों में, पुस्तिकाओं में, इन सभी और मेरा परिवर्तित रूप है। ये सभी मेरे परिवर्तित रूप हैं। अधिकं किं कथयामि, सर्वाणि रूप्यकाणि मयैव निर्मितानि सन्ति। अधिक मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे सभी रूप है ना इसी तरह बनाए गए हैं। अद्य प्लास्टिक इतस्य प्रयोगः निषिद्धः, आज प्लास्टिक का प्रयोग निषिद्ध है, यानी मना किया गया है ना प्लास्टिक का उपयोग करना। आपणिकः मया निर्मितेषु स्यूतेष्वेव खाद्य पदार्थानि यच्छन्ति। दुकानदार मेरे द्वारा निर्मित, मेरे द्वारा बनी गई थैलियों का प्रयोग खाद्य पदार्थों को देने के लिए करते हैं। अहम कदापि प्रदूषणं न करोमि, मैं कभी भी प्रदूषण नहीं करता हूँ। अद्य अहम अति प्रसन्नः अस्मि यत् संसारस्य उन्नत्यां मम विशेषः योगदानः अस्ति। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि संसार की उन्नति में मेरा विशेष योगदान है। तथापि मम मनसि इव इयं पीडा सदैवास्ति यत् मम कारणात् प्रतिवर्षः जनाः अनेकान् वृक्षान् कर्तन्ति। तथापि मेरे मन की यह पीड़ा है कि मेरे कारण बहुत हर साल लोग बहुत सारे वृक्षों को काटते हैं। वृक्षाणाम अभावे अनेकाः समस्याः प्रादुर्भवन्ति, और वृक्षों के अभाव में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। पर्यावरणस्य रक्षणे वृक्षाणाम महती भूमिका भवति, पर्यावरण की रक्षा में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है होती है। अतः युष्माकं कर्तव्यमस्ति यत् मम दुरुपयोगः कदापि न भवतु। अतः आप सभी को कर्तव्य है आप सभी का कि मेरा दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। माँ इतस्ततः माँ क्षिपतः, मम पुनर्चक्रण कृत्वा माँ पुनर्जीवन यच्छतः, कि मेरे पुनर्चक्रण करने से, मतलब रिसाइकल करने से, मैं पुनः जीवित हो जाता हूँ। वृक्षारोपणम कृत्वा यूयम पर्यावरणम रक्षत, वृक्ष को लगाकर आप पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। अधुना मया सह गायतः, हम सभी गाते हैं। वृक्षः अस्माकं मित्राणि यच्छन्ति अस्मभ्यं सर्वाणि, वृक्ष हमारे मित्र हैं और वे हमें बहुत कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं। करिष्यामः तेषः रोपणम्, हमें वृक्षों को लगाना चाहिए। अस्तेभ्यः अस्ति अस्माकं जीवन, तभी हमारा जीवन है ना, कि वृक्ष हमारे मित्र हैं और वे हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें वृक्ष लगाने चाहिए तभी हमारा जीवन है। तो ये कागज़ की आत्मकथा थी बच्चों। इसमें विशेष में मनस सकारांत नपुंसकलिंगे का प्रयोग यहाँ दिया गया है। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन विभक्ति में एकवचन द्विवचन बहुवचन रूप मन के दिए गए हैं। सकारांत नपुंसकलिंग, मनसी मनांसी मनसा मनुभ्याम मनोभि, मनसे मनुभ्याम मनुभ्यः, मनसः मनुभ्याम मनुभ्यः, मनसः मनसोह मनसाम, मनसी मनसोह मनसु, हे मनः हे मनसी हे मनांसी। उपसर्ग के बारे में यहाँ बताया गया है कि उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है तथा अन्य शब्दों का निर्माण भी होता है। उपसर्गों का प्रचलित अर्थ भी होता है, अतः जिस धातु या शब्द के साथ जिस उपसर्ग का प्रयोग होता है उसका अर्थ परिवर्तित होकर उपसर्ग के अर्थ जैसा ही अर्थ देने लगता है। तो यहाँ पर कुछ उपसर्ग हैं और उनके प्रचलित अर्थ और उससे निर्मित शब्द दिए गए हैं। तो बच्चों, इस अनुवाद को आपको ध्यान रखना है और अनुवाद को समझना है।